हेलो दोस्तों, तो आपके एग्ज़ाम में अक्सर केबल के बारे में पूछता रहता है, तो आज हम इस छोटे से वीडियो में देखेंगे जो इलेक्ट्रिकल केबल होता है। जो इलेक्ट्रिकल केबल उसमें आपका पूछ देता है कि कंडक्टर के बाद क्या आता है, या इंसुलेटर के बाद क्या होता है, बेडिंग, आर्मरिंग, सर्वेइंग, ये सब क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन हमेशा लेकर आते रहते हैं हम। तो देखिए, जो इसका एक फॉर्मूला होता है सिम बॉस, सिम बॉस, तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं सिम बॉस जो होता है उससे। यहाँ पे सी से कंडक्टर होता है, आई से इंसुलेटर, एम से मेटेलिक शीट, और बी से बेडिंग, ए से आर्मरिंग, एस से सर्वेइंग। तो चलिए एक एक करके सबके बारे में देख लेते हैं। पहला हमारा कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? देखिए, चालक जो होता है, चालक केबल का मुख्य अंग होता है। इनकी संख्या एक या एक से अधिक हो सकती है। केबल में प्रयुक्त चालकों को ही केबल की कोर कहा जाता है। जो केबल में जो चालक होते हैं उन्हीं को केबल कोर कहा जाता है। जैसे यदि एक केबल में तीन चालक होते हैं तो उसे तीन कोर केबल कहा जाता है। मुख्यतः केबल में चालक के रूप में एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रेयर केस में कॉपर का प्रयोग किया जाता है, नहीं तो मुख्यतः रूप से एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सी से कंडक्टर, कंडक्टर के बारे में देख लिए। दूसरा हमारा इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर के बारे में देखते हैं। जो इंसुलेटर होता है, प्रत्येक चालक या कोर के ऊपर एक उचित मोटाई की कुचालक पदार्थ की परत चढ़ाई जाती है। माने जो कोर होता है उसका प्रोटेक्शन करने के लिए उसके ऊपर एक उचित मोटाई की कुचालक की परत चढ़ाई जाती है। जो चालक को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, जो मोटाई की परत चढ़ाई जाती है वह चालक को सुरक्षा प्रदान करता है। इस प्रकार केबल में प्रयुक्त चालक के ऊपर सुरक्षा हेतु कुचालक पदार्थ की परत चढ़ाना ही इंसुलेटर कहलाता है ना। जो कंडक्टर होता है उसके ऊपर प्रोटेक्शन के लिए जो कवर चढ़ाते हैं इंसुलेटर का, उसी को क्या कहते हैं, इंसुलेशन, इंसुलेशन कहा जाता है। ठीक है, तो आई मतलब इंसुलेटर का भी देख लिए और सी का मतलब कंडक्टर का भी देख लिए। आगे हम तीसरा देखते हैं एम। एम मतलब मेटेलिक सीट। यह क्या होता है मेटेलिक सीट? तो इंसुलेटेड चालक को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करने के लिए, जो अभी कंडक्टर के ऊपर इंसुलेटर चढ़ाए हैं, तो इंसुलेटर को क्या करता है, मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करने के लिए उसके ऊपर मेटेलिक सीट की परत चढ़ाई जाती है। इसके लिए मुख्यतः लेड सीट केबल अथवा एल्युमिनियम सीट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके ऊपर जो है लेड सीट अथवा एल्युमिनियम सीट का उपयोग किया जाता है। मेटेलिक सीट यांत्रिक सामर्थ्य के अलावा चालक को नमी एवं विभिन्न गैसों से सुरक्षा प्रदान करती है। तो आपके एग्जाम में यही सब पूछता है कि मेटेलिक सीट होती है जो इंसुलेटर को क्या करती है। ठीक है, तो आप बताएंगे मेटेलिक सीट यांत्रिक सामर्थ्य के अलावा चालक को नमी एवं विभिन्न गैस से सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आप याद रखेंगे। तीसरा हो गया। चौथा बी का मतलब होता है बेडिंग। बेडिंग क्या होता है? तो देखिए, मेटेलिक सीट को एक अन्य परत से आच्छादित यानी कवर किया जाता है, उसे बेडिंग कहते हैं। यानी जो मेटेलिक सीट होता है उसको भी कवर किया जाता है। किससे? बेडिंग से। बेडिंग फाइबर युक्त पेपर टेप नुमा संरचना होता है। ठीक है, तो फाइबर युक्त टेप नुमा होता है, यह मेटेलिक सीट को जंग से बचाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बेडिंग के बारे में पूछता है कि बेडिंग क्या कार्य करता है, तो क्या करता है, मेटेलिक सीट को जंग से बचाता है एवं आर्मरिंग के दौरान होने वाली संभावित क्षति से बचाव करती है। ठीक है, तो ये जंग वाला आपसे पूछता है कि मेटेलिक सीट को कौन जंग से बचाता है, तो आपका बेडिंग हो जाता है। ठीक है, और क्या करता है, आर्मरिंग के दौरान होने वाली संभावित क्षति से बचाव करता है। ठीक है, तो याद रखेंगे बेडिंग के बारे में।
पांचवा देख लेते हैं आर्मरिंग। आर्मरिंग ए से आर्मरिंग। आर्मरिंग क्या काम करता है, यह गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर की एक परत होती है। समझ लीजिए गैल्वेनाइज्ड स्टील आयरन वायर की एक परत होती है जो केबल को यांत्रिक दुर्घटना से बचाती है। ठीक है, तो मेन पूछता है कि आर्मरिंग का क्या कार्य होता है, तो आर्मरिंग का वर्क होता है जो केबल होता है हमारा उसको मैकेनिकल दुर्घटना से बचाना होता है। ठीक है, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका। आर्मरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में आपसे पूछता है यह केबल के बारे में, लेड सीड केबल के बारे में, आर्मरिंग के बारे में, सर्वेइंग के बारे में, ये सब स्टेप बाय स्टेप पूछता है। तो आप एक ही आप याद रखेंगे सिम्बास, सिम्बास याद रखेंगे, उसके बाद कंडक्टर के बारे में याद रखने, इंसुलेटर और मेटेलिक सीट बेडिंग, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप है तो ऐसे याद हो जाएगा कि मेटेलिक सीट के बाद बेडिंग है तो बेडिंग क्या कार्य करता है। ठीक है, फिर आर्मरिंग है, आर्मरिंग क्या क्या करता है, उसके बाद सर्वेइंग है तो वह क्या कार्य करता है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आर्मरिंग के बारे में हम देख लिए, यांत्रिक केबल को यांत्रिक दुर्घटना से बचाती है। उसके बाद क्या आता है छठवां हमारा सर्विंग। ठीक है, सर्विंग, सर्विंग का क्या कार्य होता है, आर्मरिंग के ऊपर की परत को सर्विंग कहते हैं, मतलब आर्मरिंग के ऊपर जो परत चढ़ाते हैं उसको सर्विंग कहते हैं। यह परत रेशेदार पदार्थ जैसे जूट की बनी होती है, जो सर्विंग होती है वह परत रेशेदार पदार्थ जूट की बनी होती है जो कि आर्मरिंग का वातावरणीय परिस्थितियों से बचाता है। ये आपका वेरी इम्पॉर्टेंट है, जो सर्विंग का कार्य होता है, जो आर्मरिंग होती है उसको किससे बचाता है, वातावरणीय परिस्थितियों से बचाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप सिम्बास यानी छेयों के बारे में देख लिए हैं। तो आई होप आपको यह छोटा सा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, तो आप ज़रूर इसे एक बार पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि ये अक्सर भूल जाता है, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अक्सर ये भूल जाता है, एक बार वीडियो देख लेंगे याद हो जाएगा। ठीक, तो फीडबैक ज़रूर हमें दीजिएगा कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।